भी हो गया। और सबसे बड़ी हंसी का पात्र ये था कि इसमें मेरे किसी भी व्यक्ति ने कोई रुचि नहीं ली इस पूरे चुनाव में, उसके बाद भी मुझे महासचिव बना दिया गया। तो मेरा उनसे निवेदन ये है कि मुझे तत्काल, मैं अपना इस्तीफा क्या, मैं तो सब चीज दे चुका हूँ पहले भी, और मैंने 10 मार्च को ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, जिसको मैंने दिनेश यादव जी जो नगर अध्यक्ष कांग्रेस को उनको सूचित किया था, माननीय कमलनाथ जी को इस्तीफा प्रेषित किया था, माननीय राहुल गांधी जी को भी इस्तीफा प्रेषित इसलिए किया था क्योंकि वो युवा कांग्रेस और NSY के प्रभारी भी है, पर उसके बाद भी कोई डिसीजन अभी तक नहीं लिया गया। ऐसा पूरे मध्य प्रदेश में ये धांधली युवक कांग्रेस के द्वारा की गई है कि अनेकों लोग जो महाराज के साथ, महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ जिन्होंने पलायन कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता भी ले चुके हैं, उसके बाद भी उनका नाम नहीं अलग किया गया। अब इसका क्या कारण है ये तो युवक कांग्रेस मुझे जवाब दे।